समय की कमी जान पड़ी, अपने शांतपुंज प्रतिनिधि के रूप में और वहां से मार्गदर्शन के लिए जो जुड़े हुए हमारे केपी दुबे जी भाई साहब हैं, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं, उन सबको प्रणाम करती हूँ। हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों से, ब्लॉक से जुड़े हुए जोन उपजोन प्रज्ञा मंडल महिला मंडल जिन्हें आमंत्रण किया था, पालक गण सबको प्रणाम है मेरा, आप सबका अभिनंदन है। और विशेष रूप से पालक गण जो अपने बालकों के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम, और हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत सारा स्नेह, बहुत शुभाशीष। आज मन इतना गदगद लग रहा है, इतना गदगद लग रहा है, क्या बताऊं मैं, किन शब्दों में व्यक्त करूं। लगता है ये जो कारवा जो आरंभ हुआ, ये कारवा अभी ऑनलाइन शुरू हुआ ऐसा नहीं है, ये कारवा आरंभ हुआ था 2003 में जब बाल संस्कार शाला का बीजारोपण हुआ था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज के कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय भैया केपी दुबे जी भाई साहब अभी उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको कि सबसे पहले मैंने बाल संस्कार शाला शब्द उनके मुख से सुना था, और वहीं से जो कुछ भी राइटिंग मटेरियल और उनके मुख से सुनी हुई जो प्रेरणा पाई, उसको लेकर के एक छोटा सा बीज भिलाई एरिया में हमारे छत्तीसगढ़ में आया, लगता है मुझे उनके द्वारा दिया हुआ है। और वो जो एक चिंगारी थी जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक जमाने में बाल संस्कार शाला इस तरह चले एक किताब उन्होंने लिखी थी, ये किताब मेरे ख्याल से सन 1958-59 की होनी चाहिए, जिसको लेकर के हमारे आदरणीय दुबे भैया जी ने आगे बढ़ाया, जो उनके दिमाग में चिंतन आया, और वो चिंगारी जो थी वो दावानल के रूप में आज परिवर्तित हो गई है, ये सब हम आज देख रहे हैं। और वहां से लेकर के यहाँ तक इस मुकाम पर पहुंचाने में किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक प्रतिनिधि का नहीं, किसी एक कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि इतने बरसों में, तब से लेकर अब तक, जो विभिन्न गलियों में, मोहल्लों में, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर बाल संस्कार शाला के आचार्य के रूप में, प्रचारक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में, जो विभिन्न भूमिकाओं में आए, गए, बने रहे, किसी ने 1 वर्ष का समय दिया, किसी ने 5 वर्ष का समय दिया, कोई सतत चलते आ रहे हैं, वास्तव में इन सबका सम्मिलित प्रयास का परिणाम है ये किसी एक दो व्यक्ति का परिणाम नहीं। और निश्चित रूप से इतने बड़े परिणाम अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गुरुसत्ता का आशीष और उनकी इच्छा और उनकी ही संकल्पना को पूर्ण करने का ये जो अवसर हम सबको मिला, इसके लिए आभारी हैं कि उन्होंने अपनी योजना में हम सबको भागीदारी निभाने का अवसर दिया। आज जो बालकों की और पालकों की अभिव्यक्ति सुनी, तो उनकी अभिव्यक्ति को सुन करके ऐसा लगा कि न जाने क्या चीज पा लिया है, ये जीवन सफल हो गया। और इस मुकाम पर पहुंच करके अब ये कारवां जो है आगे और चले, उसके लिए आगे चुनौतियां हैं। मैं कहना चाहूंगी विशेष रूप से जो आचार्यों की भूमिका निभा रहे हैं उनसे, कि आगे चुनौतियां हैं। और ये जो ऑफलाइन से अब ऑनलाइन बन गया है, ऑनलाइन के साथ साथ जो भी अब बाल संस्कार शालाएं चल रही है, चलने वाली है, जैसे अभी हमारी बहन ने इसके बारे में घोषणा भी कर दी कि 24 बाल संस्कार शालाओं का शुभारंभ होने वाला है, तो उसके लिए अब उनको नए सिरे से तैयार होना पड़ेगा, न केवल आचार्य के रूप में बल्कि ऑनलाइन स्तर पर ऊंचे स्तर के प्रशिक्षक की भूमिका निभानी पड़ेगी। उसके लिए सब लोग कमर कस के तैयार हों। और ये जो जब तक युग निर्माण योजना अपने शीर्ष पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो अपनी भूमिका में इसी प्रकार से अगले 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 अंतिम पायदान तक वो चलते रह सके, ये चुनौती हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। और इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारे आचार्य की भूमिका निभाने वाले जितने भी लोग हैं वो सब इसमें इसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। बल्कि इसी कड़ी में मैं पालकों का अभिनंदन करने के साथ साथ, जैसे कि इसके पूर्व भाई साहब ने अभिनंदन किया, मैं उनसे सहमत हूँ और बहुत गदगद हूँ। उन्होंने युवा प्रकोष्ठ पर विश्वास जताया, उन्होंने अपने बालकों को हमारे साथ जोड़ करके जो विश्वास उन्होंने किया हम पर, ये बहुत बड़ा हमारे लिए पुरस्कार है, पुरस्कार से कम नहीं है। उन पालकों से भी निवेदन है कि वे इस युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के प्लेटफॉर्म पर आए और बाल संस्कार शाला परिवार के साथ जुड़ करके अपनी स्वयं की प्रतिभा और उनके पास जो कुछ भी मार्गदर्शन देने योग्य अभिभावक के रूप में गुरुदेव की कृपा से जो कुछ भी पूंजी उनके पास में है उसे वो बांटे और इसका हिस्सा बने आए। मैं पालकों की बहुत बहुत आभारी हूँ और गौरवान्वित भी हूँ इसके आधार पर, और ये मेरी अपील है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की चेतना से हम सब जुड़े हैं, हमें जुड़ने का, मुझे जुड़ने का मौका मिला इस अभियान के तहत, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। और युवा प्रकोष्ठ के हमारे राठौर भैया जी, आदरणीय राठौर भैया जी, उसी प्रकार से
जैसे एक वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं और उनके अनेक डालियां होती हैं, अनेक पत्ते होते हैं, फल फूल होते हैं, उस प्रकार से सबको उसमें आश्रय पाने का मौका मिला, अपना समय दान प्रतिभा दान करने का एक मौका मिला, अवसर प्रदान उन्होंने किया, उसके लिए व्यवस्था बनाई। इसके लिए युवा प्रकोष्ठ के भी हम आभारी हैं। निश्चित रूप से ये कारवां ऐसे ही चलता रहे और हम सब इस कारवां के साथ में अपने गुरुदेव के गले में पड़े हुए जो हीरे मोती युक्त माला होती है, उस माला के रूप में हम आपस में एकजुट होकर के बने रहें, हमारे ये संगठन बना रहे। इसके लिए मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आज जुड़े हुए जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत, उसके बाहर के पालक, अभिभावक, बच्चे और जो हमारे परिजन और जो वरिष्ठ हमारे अग्रज बंधु, जोन उपजोन समन्वयक, उप समन्वयक के पद पर हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, सबकी आभारी हूँ, हमारा आभार स्वीकार करें। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। इसी तरह से आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका संरक्षण हम सभी को प्राप्त होता रहे।